हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एंड कंपनी। मैं अनम और आज हम आए अपनी चतरा होटल वाली साइट पर, जहाँ पे हमारा फुल रू हाउस फर्नीचर होने वाला है। तो मैंने सोचा कि ना इसका एक रो शूट हो जाए, क्योंकि कहाँ पर हमने कौन सी चीज़ों को प्लान किया है, किस तरह का मटेरियल होने वाला है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज इस पूरे रू हाउस का हम लोगों ने फुल 3D प्लान किया हुआ है, क्योंकि 3D से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें आने वाली है, कहाँ पर हमें पिलर आने वाला है और उस पिलर को किस तरह से हाइड किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं अपने क्लाइंट की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिनका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में। अभी हम रिसेंटली उनका ओल्ड किचन है, जिसे हम पूरा रेनोवेट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो पहले का किचन था, वो एक कारपेंटर से बनाया गया था, जिससे कारपेंटर ने ओनली एक बुक पर ड्रॉ करके बताया था किस तरह पे किस कौन सा कंपार्टमेंट आने वाला है, कौन सा कलर आने वाला है, जस्ट लाइक उसी तरह से। बट एक्चुअल में कारपेंटर का इमेजिनेशन और क्लाइंट का इमेजिनेशन कुछ अलग हुआ, और फाइनली जो डिलीवर हुआ वो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा है उनका। तो उस वजह से अब हम रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ कर रहे हैं, किचन ट्रॉली के साथ। तो फाइनली जब हम लोगों ने उनके साथ 3D शेयर की, तो बहुत ही खुश हुए। फाइनली एक बात क्लियर हो गई कि किचन के बैक साइड में जो पिलर जाने वाला था, अंदर कितनी स्पेस बच रही थी, उस स्पेस का हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस पूरी प्रॉब्लम्स को, पूरे जो इमेजिनेशन थे, इनको पूरा क्लियर किया है 3D ने। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप इस तरह का कोई भी फर्नीचर किचन ट्रॉली प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट पहले कर ले, क्योंकि इस छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम कुछ बड़ा लॉस ना कर पाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं अपने रो हाउस की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने लिविंग रूम की तरफ से। तो ये हमारा लिविंग रूम है, और एग्जैक्ट आप जो देख रहे हैं, ये डार्क कलर में जो हमारा येलो है, ये यहाँ पे पूरा टीवी नेट कवर होने वाला है। एक साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये 8x7 का हाइट है, क्योंकि हम लोग डोर के लेंथ तक पूरा टीवी नेट कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे आप 3D में देख लीजिए, 3D में मैं आपको बता देती हूँ किस हिसाब से प्लान किया गया है। 3D में आप देखोगे तो जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन लिया गया है, प्लस वुडन का हम लोगों ने हल्का सा एक कॉम्बिनेशन रखा है उसके ऊपर, क्योंकि जो टॉप रहेगा नीचे ड्रावर्स के ऊपर, वो वुडन टेक्सचर में जाएगा। एग्जैक्ट उसके लेफ्ट साइड्स पे हम लोगों ने एक बड़ा सा 7x1.5 फीट का एक पूरा नीज बनाया है, जिसमें हम लोगों ने शेल्फ ऐड रखे है, ये पूरा ओपन रहेगा, ताकि हम इसमें प्रॉपरली पूरे डेकोरेटिव आइटम्स जो रहेंगे उसे प्रॉपरली डेकोर कर सकें। इसी के अंदर से हम लाइटिंग्स भी छोड़ने वाले हैं, ताकि वो प्रॉपरली सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे उसे हाईलाइट करें, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बिकॉज ये पूरा ब्लैक हाई ग्लोसी मैट जाने वाला है। प्लस उसके साइड में हम लोगों ने पूरे वुडन्स के पैनल्स लिए हैं, पूरे 7 फीट की हाइट पर, जो कि एक लेंथ में हम लोग देखेंगे तो 1.5 फीट के करीब रहेगा वो भी। बैक साइड पे जो पैनलिंग रहेगा, टीवी के बैक साइड का पैनलिंग पूरा वाइट रहेगा, प्लस उसके अंदर हम लोग गोल्डन स्ट्रिप डाल रहे हैं, क्योंकि उसके बैक साइड में पूरा जो लाइट्स रहेगी वो हाईलाइट्स होगी। राइट साइड्स पे एक ओपन शेल्फ्स आएगा वुडन के, जिसको भी वाइट कॉम्बिनेशन ही रहेगा, नीचे साइड्स पे ड्रावर रहेंगे, प्लस एक ग्लास का डोर आएगा, जिसमें हमारे लाइक सेटअप बॉक्स वगैरह जो है, वो रिमोट्स कंट्रोल्स के लिए हम लोग एक मिडल्स में ग्लास का डोर्स लगाने वाले। तो एग्जैक्ट ये हमारा टीवी यूनिट का जो डिज़ाइन है, ये प्रॉपरली इस हिसाब से मैच किया गया है। प्लस जो हमारा टीवी यूनिट्स रहता है, ये सब कुछ ऑल इंक्लूड आता है, आपको तो पता ही है, जैसे हमारे लाइट पॉइंट्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड आता है। कहाँ पे किस तरह के टीवी यूनिट्स प्लान किए, उस हिसाब से पूरा प्रॉपरली ये डिज़ाइन हो चुका है। फाइनली बहुत जल्द ये वर्क स्टार्ट होने वाला है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो हम किचन की तरफ है, किचन का काम हम लोगों ने स्टार्ट करवा दिया, बिकॉज घर में पूजा है, तो सबसे पहले हम किचन का पार्ट रेडी कर देंगे। इसका रॉ फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एल शेप का किचन है, कड़प्पा रैक है और लॉफ्ट है। अब देख लेते हैं 3D जो हमने प्लान किया है, पूरा प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन के साथ, प्लस हैंडल्स वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम लोगों को मेजरमेंट्स के बाद पता चला कि कहाँ पे कितना गैप आ रहा है, तो उस गैप के अकॉर्डिंग कौन सी कलर वाली पट्टी वहाँ पे मैच होगी, ये हमारा 3D का बेनिफिट है। तो प्रॉपरली उस तरह से हम लोगों ने किचन को पूरा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है। तो फाइनली हमारा किचन हो गया। किचन जब पूरा फाइनली रेडी हो जाएगा, वो टूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। अब हम आ गए बेडरूम की तरफ। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा वॉशरूम है बैक साइड पे, जिसके ऊपर बैक साइड से डक निकले हुए हैं। इस डक को कवर करते हुए यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा स्टैंडर्ड साइज में वार्डरोब आने वाला है, जो कि पूरा वॉल कवर करते हुए भी ड्रेसिंग में जाने वाला है। ऊपर के साइड्स पे एल में हमारा पूरा लॉफ्ट कंटिन्यू होने वाला है। ये हमारा रो है, आप 3D में देख लीजिए, 3D में हम किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन लिया है, किस तरह से हम लोगों ने पट्टियों को अरेंज किया है प्रॉपरली वार्डरोब के डिज़ाइंस के साथ। एग्जैक्ट डो हमारे लॉफ्ट पर कितने शटर्स आने वाले हैं और वो कितने हाइट पर आने वाले हैं, किस तरह से ओपन होने वाले हैं, प्रॉपरली 3D डिज़ाइन में पूरा एक्सप्लेन किया गया है।
तो ये हमारा फाइनली पूरा रो शूट हो गया है। तो वीडियो के एंड में मैं सारी 3Ds और रो फोटो शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आ जाए कि हम लोगों ने किस तरह का प्लान किया हुआ है। और अगर आप भी किचन ट्रॉली या फर्नीचर मेकिंग करना चाहते हैं और आप भी 3D का सोच रहे हैं तो आप शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा 3D के ऊपर। और 3D आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बनने से पहले हमारा प्रॉपर जो इमेजिनेशन है वो एक पिक्चर्स पर क्लियर हो जाता है ताकि बनाने वाले को और देने वाले को ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।